बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पे है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को हम आज के लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के एम्स या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था इसके क्या एम्स हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्यों स्टार्ट किया गया था। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो था, प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देन पाकिस्तान में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में जितने प्रोजेक्ट्स चल रही हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, जिनमें डिफरेंट डिजीज़ हैं जिन पे काम हो रहा है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की तरफ से, तो उनको उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में मेन हमारा जो कंसर्न है वो आज के टॉपिक में जो मेन कंसर्न है वो ट्यूबरक्लोसिस पे है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का ट्यूबरक्लोसिस के रोकथाम में क्या रोल है, तो इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में ट्यूबरक्लोसिस को डिफाइन करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस के कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया जाएगा, देन ट्यूबरक्लोसिस की साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आपको बताया जाएगा, देन ट्यूबरक्लोसिस की पाकिस्तान में क्या एपिडेमियोलॉजी है, उसकी क्या ऑकरेंस है, कितने केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट किए गए हैं और क्या उसकी मोर्टेलिटी या उसका डेथ रेट क्या चल रहा है, तो ये चीज़ आपको बताई जाएगी। देन पाकिस्तान में जो ट्यूबरक्लोसिस पे जो काम हो रहा है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसके जो फ्यूचर एम्स हैं और उसकी जो फंडिंग है उसके बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर दोज विच आर ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल लेवल बाय अ कंट्री इन ऑर्डर टू इंप्रूव द हेल्थ सिचुएशन। बेसिकली नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं बाय अ कंट्री, एक कंट्री जो है वो ऑर्गेनाइज्ड करती है एट नेशनल लेवल पर जो है इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इसका जो बेसिक जो मकसद है टू इम्प्रूव के वो बेहतर बनाना है द हेल्थ सिचुएशन, जो हेल्थ की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करना है बाय प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर टू ड्रिंक और बाय प्रोवाइडिंग अ फूड विच इज़ मेड इन हेल्थी इन्वायरमेंट। और हेल्थ सिचुएशन जो है वो बेसिकली जब फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना है, हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव फ्रेश वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा तब इम्प्रूव किया जा सकता है हेल्थ सिचुएशन को। इसके अलावा जो फूड है, फूड ऐसी दी जाए जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जो है वो तैयार की गई हो, तो इन दो कंडीशंस से जो हेल्थ की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। देन मेजर्स फॉर अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इसमें बेसिकली जो इसका रोल है वो इम्प्रूव करना है द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जो ऑलरेडी सर्विसेज जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, इसी तरह से प्रोग्राम्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इम्प्रूव करना है। देन अरेंजिंग अप्रोप्राइट ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी एंड स्किल्स, इसी तरह से ऑलरेडी जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है जिससे जो वर्कर्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है या स्किल्स है वो इंक्रीज होनी। देन इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, इसी तरह से जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, जो प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं तो उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनकी सप्लाई को इंश्योर करना है। इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, इस तरह से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की जो है वो अवेयरनेस देना है, लोगों को नेशनल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताना है थ्रू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। फिलिंग द गैप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल, इसी तरह से जो है वो गैप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह से हेल्थ में जो गैप है उसको फिल करना है। तो बेसिकली ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के ये एम्स हैं। देन व्हाई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो क्यों ज़रूरी है, डिजीज़ बर्डन इज़ हाई, ये इसलिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया है क्योंकि जो डिजीज़ बर्डन है वो काफ़ी हाई जा रहा था। जियोग्राफिकल स्प्रेड, इसी तरह से कुछ डिजीज़ ऐसी थी जो जियोग्राफिकल
जिनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा था, या कुछ डिजीज ऐसी हैं जो एक मखसूस एरिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती हैं, तो वहाँ पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो वर्क करता है। प्रूवन स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आर अवेलेबल, इसी तरह से कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिससे जो है वो प्रिवेंट या कंट्रोल किया जा सकता है डिजीज़ को। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, ताकि एक एडिक्वेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या किसी भी डिजीज़ पे काम करने के लिए। रिसोर्सेज फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आर अवेलेबल, इसी तरह से अगर कोई प्रोग्राम जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती है तो उसके लिए जो है वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल हों। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करें तो एपिडेमिक्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, तो पहला जो प्रोग्राम इस टाइम एक्टिव है वो एपिडेमिक्स प्रिवेंशन, एपिडेमिक्स ऐसी डिजीज़ हैं जो पूरे एक कंट्री में फैलती हैं या एक शहर में जो है वो फैलती हैं और काफ़ी पूरे शहर की जो पॉपुलेशन है वो रिस्क पे होती है या वो एक्सपोज्ड हो चुकी होती है, तो ऐसी डिजीज़ को एपिडेमिक्स कहते हैं। तो ऐसी डिजीज़ जो एपिडेमिक जो है वो डिजीज़ हों तो उनकी प्रिवेंशन के लिए एंड कंट्रोल प्रोग्राम, और उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसे हम एपिडेमिक्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम कहते हैं। देन एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसी तरह से EPI एक प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट जो है डिजीज़ के अंगेंस्ट वैक्सीन जो हैं वो बच्चों को दी जाती हैं, और इनमें जो है वो एक पूरा पैनल है डिफरेंट डिजीज़ का, और उनके अंगेंस्ट जो वैक्सीन हैं वो प्रॉपर जो है वो डोर टू डोर कंपेन चलाई जाती है, और उसमें इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो है वो की जाती है। द नेशनल मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसी तरह से एक प्रोग्राम नेशनल मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें माँ और बच्चे की जो है वो सेहत को देखा जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। देन न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसी तरह से न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जिसमें जो है वो बच्चों की न्यूट्रिशन जो है उसको देखा जाता है और उनको न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जाता है। देन पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसी तरह से पंजाब में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया जिसमें बेसिकली एड्स की जो डिजीज़ थी उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स जो थे उनको लॉन्च किया गया, उनको लोगों से फॉलो कराया गया ताकि जो एड्स है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से TB कंट्रोल प्रोग्राम, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है TB कंट्रोल प्रोग्राम, तो TB कंट्रोल प्रोग्राम भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स ने लॉन्च किया है, और ताकि जो TB है ट्यूबरक्लोसिस उसको कंट्रोल किया जा सके। देन ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ कंटाजियस इन्फेक्शन दैट यूजली अटैक योर लंग्स, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है एक ऐसी डिजीज़ है जो हाईली कंटाजियस है। कंटाजियस मीन ट्रांसमिट हो सकती है ये फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, काफ़ी ईजिली जो है ये इसकी ट्रांसमिशन है, काफ़ी आसानी से जो है ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू इंडिविजुअल पर्सन टू हेल्दी पर्सन, तो इसलिए हम इसको कंटाजियस इन्फेक्शन कहते हैं। दैट यूजली अटैक योर लंग्स, और मोस्टली जो है ये लंग्स को जो है वो अटैक करता है। कॉक्सटेव एजेंट जो ट्यूबरक्लोसिस का वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। देन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो कफ दैट लास्ट 3 or more weeks, तो इसमें जो है वो खांसी होती है जो कि 3 या 3 हफ्तों से ज़्यादा जो है वो टाइम ले जाती है। देन कफिंग अप ब्लड, और कफिंग जो है उसकी एंड स्टेज पे वो ब्लड आना जो है, जब पेशेंट कफिंग करता है तो उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। चेस्ट पेन होता है और पेन विद ब्रीदिंग और कफिंग, इसी तरह से जब ब्रीदिंग होगी या कफिंग होगी तब जो पेशेंट होगा वो उसे बहुत ज़्यादा पेन होगा। देन अन इंटेंशनल वेट लॉस, इसी तरह से वेट लॉस जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है TB पेशेंट का। फटीग है, देन फीवर है, नाइट स्वेट है, चिल्स हैं एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्लोसिस की। देन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अगर पूरी पॉपुलेशन जो है 140 million, देन 1/3 बिलो पॉवर्टी लाइन, 1/3 जो पॉपुलेशन है वो जो है वो गरीब हैं, तो 6th highest TB बर्डन, और पाकिस्तान जो है वो 6th highest TB बर्डन कंट्री है। देन TB इंसिडेंट जो है वो 177 केसेस पर 1 lakh जो पर्सन है उनमें जो TB का इंसिडेंस है, तो 177 इसका इंसिडेंस है, मतलब 1 lakh अगर आप पेशेंट 1 lakh जो है वो
इंडिविजुअल आप स्क्रीन करते हो तो उनमें 177 जो पेशेंट होंगे उनमें ट्यूबरक्लोसिस होगी। तो ये टीबी का ये इंसिडेंस है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है मोस्टली जो है वो पोअर पीपल जो गरीब लोग होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। और मोस्टली जो है ये उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जो गरीब लोग हैं वो मोस्टली जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। इसके अलावा उनके इम्यूनिटी भी इम्यूनोकम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो इसलिए टीबी जो है वो ज़्यादातर गरीबों को जो है वो अटैक करती है। टीबी बेसिलाई अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। टीबी का टीबी जो है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर चुकी है। पाकिस्तान इज 8th हाईएस्ट टीबी कैरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो 8वां बड़ा मुल्क है, कंट्री है वर्ल्ड में जो जिसमें जो है वो टीबी का रेट या टीबी की इंसिडेंस या टीबी कैरिंग कंट्री या टीबी जो है हाईएस्ट टीबी कैरिंग कंट्री है। टीबी काजेज नियरली 2 मिलियन डेथ एवरी ईयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर साल 2 मिलियन जो है वो लोग टीबी की वजह से मर जाते हैं। 75% ऑफ दीज केसेस फॉल इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 years। इनमें जो 75% केसेस हैं वो 15 to 45 years के जो पीपल हैं उनमें आते हैं इन पंजाब। इट इज़ अ कंटाजियस डिजीज एंड वन एक्टिव अनट्रीटेड टीबी पेशेंट कैन इन्फेक्ट 10 to 15 इन अ ईयर। इसी तरह से अगर एक टीबी का पेशेंट है जिसे जो अनट्रीटेड है और एक्टिव टीबी का पेशेंट है तो वो फर्दर जो है वो 10 to 15 पेशेंट्स में जो है वो टीबी ट्रांसमिट कर सकता है इन वन ईयर, एक साल में। द टीबी कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय पंजाब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज एस्टेब्लिश्ड मोर देन 537 डायग्नोस्टिक सेंटर। इसी तरह से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया और पंजाब में लॉन्च किया गया और इसमें जो था 537 डायग्नोस्टिक सेंटर जो थे वो एस्टेब्लिश किए गए ताकि वहाँ पे जो टीबी की डायग्नोसिस है, टीबी की जो स्क्रीनिंग है वो हो सके और फर्दर जो है वो टीबी का जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके। 895 प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैव बीन ट्रेन्ड अंडर द डॉट्स स्ट्रेटजी। इसी तरह से एक टीबी डॉट प्रोग्राम है जिसमें जो है वो 895 प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को ट्रेन किया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई ताकि जो टीबी को कंट्रोल किया जा सके। 114 प्राइवेट लैब स्पेशलाइजिंग इन स्पूटम स्पेयर माइक्रोस्कोपी हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू। इसी तरह से 114 प्राइवेट लैब्स बनाई गई जिनमें जो था स्पूटम की एनालिसिस स्टार्ट की गई, स्पूटम का जो स्पूटम की माइक्रोस्कोपी की बेस पे जो डायग्नोसिस थी वो स्टार्ट की गई जिसे हम अर्ली डायग्नोसिस या डायरेक्ट समियर प्रिपरेशन भी कहते हैं। तो इससे था इसमें जो थे वो 114 प्राइवेट लैब बनाई गई जहाँ पे वो स्पूटम की एनालिसिस शुरू की गई। देन टीबी सिचुएशन इन पाकिस्तान मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। टीबी जो है वो एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। देन 43% ऑफ डिजीज बर्डन इन EMR और WHO, और WHO में जो था वो 43% जो पॉपुलेशन है वो डिजीज़ उसमें डिजीज़ देखी गई है या वो कैरियर हैं। देन 250,000 न्यू केसेस एवरी ईयर। इसी तरह से 250,000 जो केसेस हैं हर साल वो रिपोर्ट किए जाते हैं टीबी के। 75% ऑफ पेशेंट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 years। इसी तरह से 75% जो पेशेंट हैं जिनको मोस्टली 75% पेशेंट जिन जो टीबी जिनको टीबी अटैक करती है तो वो बेसिकली 15 to 59 years के एज ग्रुप में आते हैं। देन टीबी प्रोग्राम 1960s में स्टार्ट किया गया था, प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। देन डोरमेंट प्रोग्राम 1980s में स्टार्ट किया गया। देन 1995 में डॉट स्ट्रेटजी थी वो अडॉप्ट की गई। देन 1996 में टीबी डायरेक्टोरेट इसको एबॉलिश कर दिया गया। देन 1918 में टीबी इंटीग्रेटेड विद प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो टीबी का प्रोग्राम था वो 1998 में स्टार्ट किया गया। रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रीडिफाइंड, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो रीडिफाइन की गई।
देन 2000 में नेशनल टीबी प्रोग्राम रिव्यूड टू ऑपरेशनलाइज डॉट स्ट्रेटजी इन द कंट्री। इसी तरह से 2000 में जो था नेशनल टीबी प्रोग्राम उसको रिव्यू किया गया और उसमें फर्दर जो स्ट्रेटजीज थी फर्दर जो उसको अपग्रेड किया गया ताकि जो डॉट प्रोग्राम है उसको फर्दर जो है वो पूरे कंट्री में जो है वो लॉन्च किया जाए। देन 2001 नेशनल एमरजेंसी इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, तो नेशनल एमरजेंसी जो थी 2001 में उसमें जो मेन था वो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन जो था उसको किया गया। देन नेशनल टीबी प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नेशनल पॉलिसी स्ट्रेटजीज एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इसमें दी गई। डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डॉट्स, इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिल्डिंग्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो थी वो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया फॉर डॉट्स। देन ट्रेनिंग सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, और उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, डिफरेंट जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे उनको ट्रेनिंग दी गई, उनकी सुपरविजन की गई, उनको मॉनिटर किया गया। एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसी तरह से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी को जो था वो प्रॉपर उनको उनको अवेयरनेस दी गई, उनको एजुकेट किया गया। देन क्वालिटी एश्योरेंस टू माइक्रोस्कोपी नेटवर्क, देन माइक्रोस्कोपी नेटवर्क जो था उसको एश्योर किया गया, उसकी जो क्वालिटी थी वो एश्योर की गई ताकि जो टीबी की जो डायग्नोसिस है वो ईजिली हो सके। देन फ्यूचर प्लान, स्ट्रेंथन स्मियर माइक्रोस्कोपी क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, इसी तरह से जो स्मियर माइक्रोस्कोपी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस किया गया। रिसोर्स गैप्स इन पब्लिक सेक्टर डॉट्स एक्सपेंशन, बिल्ड डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी टू कंसोलिडेट एंड सस्टेन द क्वालिटी डॉट्स, देन स्ट्रेंथन ड्रग मैनेजमेंट। इसी तरह से टीबी की जो थी डायग्नोसिस, देन टीबी की डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट लैब्स, देन टीबी की जो ड्रग मैनेजमेंट थी या उसकी जो ट्रीटमेंट थी उसमें जो क्वालिटी इंश्योरेंस थी या क्वालिटी कंट्रोल था वो मेनटेन किया गया ताकि जो टीबी का कंट्रोल है इसको कम से कम किया जा सके। इन्हांस केस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आउटकम बाय स्ट्रेंथनिंग कंट्री मोबिलाइजेशन इन्वॉल्विंग, तो इसमें बेसिकली जो था इसको इन्हांस किया गया या इसको जो था वो कंट्री पूरे कंट्री में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया बाय इन्वॉल्विंग द एनजीओज एंड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, इनमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को डिफरेंट एनजीओज को इन्वॉल्व किया गया, इन्वॉल्विंग द टर्शियरी केयर लेवल, और इवन ये प्रोग्राम जो था वो टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल्स तक भी जो था वो इंट्रोड्यूस कराया गया। देन प्रमोटिंग सेक्टर वाइड अप्रोच इन डॉट्स, सोशल सिक्योरिटी, पुलिस, वापडा, रेलवेज, उनमें भी जो था ये प्रोग्राम प्रमोट किया गया। डॉट्स इन माइग्रेटरी पॉपुलेशन, इसी तरह से ये डॉट्स का जो प्रोग्राम था ये माइग्रेटरी पॉपुलेशन लाइक नोमैड्स एंड अफगान रिफ्यूजीज, उनमें जो था ये लॉन्च किया गया। तो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप काइंडली ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।